नमस्कार, आइए आज बनाते हैं उड़द दाल की खिचड़ी। इसके लिए हम ब्राउन राइस को 5 मिनट तक भिगोकर रखेंगे। तड़का लगाने के लिए प्योर घी लेंगे। लहसुन, प्याज और अदरक को बारीक काटें। सूखे मसाले को भी तैयार रखें। अब प्रेशर कुकर में प्योर घी डालें। इसके बाद इसमें जीरा, धनिया पाउडर और बारीक कटा हुआ लहसुन, प्याज और अदरक को मिलाएं। गैस की आंच को धीमा रख के इसे लगातार चलाते हुए भूनें। इसे लाइट पिंक होने तक भूनें। इसके बाद इसमें धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक और लाल मिर्ची पाउडर मिलाएं और इसे लगातार चलाते हुए भूनें। इस तरह से जब हमारा मसाला ब्राउन हो जाए तब इसमें भीगे हुए चावल मिलाएं। चावलों को लगातार चलाते हुए भूनें और इन्हें 5 मिनट तक लगातार चलाते रहें। इस तरह से अब हमारे चावल तैयार हो चुके हैं। अब इसमें उबले हुए उड़द की दाल को मिलाएं। दाल को मैंने पहले ही उबाल लिया है। इस तरह से उड़द की दाल के लिए हम आधे चावल और आधी दाल डालते हैं। दोनों चीज़ें बराबर मात्रा में होनी चाहिए। अब इसे गर्म पानी डालकर थोड़ी देर तक इस तरह से मिलाएं। अब प्रेशर कुकर को 5 मिनट तक बंद कर दें। 5 मिनट बाद प्रेशर कुकर की स्टीम को ठंडा होने के बाद खोल दें। तो लीजिए, अब हमारी खिचड़ी पककर तैयार है। अब इसे खाने के लिए परोसें। यह हिमाचल में लोहड़ी के दिन सभी के घरों में बनाई जाती है। तो आप मेरी रेसिपी को लाइक तथा शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।